रविवार को साइकिल से ड्यूटी पर जाते समय 40 वर्षीय होमगार्ड ओम प्रकाश को बोलेरो और ऑटो की आपस में भिड़ंत के दौरान पीछे से आ रहे होमगार्ड की दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होमगार्ड को स्थानीय लोगों ने मिलकर निजी साधन से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हेड इंजरी बताकर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मददगारों ने बताया कि 40 वर्षीय ओम प्रकाश कैंट थाना क्षेत्र के नंदा नगर में पुलिस चौकी पर ड्यूटी करते हैं। आज सुबह ड्यूटी जाते समय उनका दुर्घटना हो गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्थानीय मददगार और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, मेरा कमलेश पासवान नाम है। कमलेश जी, क्या हुआ अभी अभी, किसको लेके आए आप? अभी अभी हमें भोला प्रसाद को आए हुए, अपने ड्यूटी के लिए निकल रहे थे, लेकिन नंदा नगर पुलिस चौकी पास एक बोलेरो और ऑटो में एक्सीडेंट हुआ, टक्कर, और उसके पीछे अपना साइकिल लेकर जा रहे थे, उसके पीछे टक्कर लगा तो जैसे इनको चोट लगी, पूरा ब्रेन हैमरेज हो गया है। हमें भोला प्रसाद है, होमगार्ड है। कहाँ ड्यूटी करते हैं? ये नंदा नगर पुलिस चौकी पे। आज सवा दस के करीब एक भोला प्रसाद जी, जिनकी करीब उम्र 40 साल थी, वो अपनी कहीं ड्यूटी तैनाती थी, वहाँ जा रहे थे, उस समय उनके एक्सीडेंट हुआ सड़क पे, और वो काफ़ी गंभीर हालत में हमारे इमरजेंसी मंडली अस्पताल में लाए गए थे। वहाँ पे चिकित्सकों ने देखकर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट और एमरजेंसी जो भी रेमेडीज देनी थी वो करने के बाद उनको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में उनको हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज रेफर किया।